उत्तर प्रदेश में योगी 2.0 सरकार के गठन होते ही कई ऐसे नियम कायदे लागू हो गए हैं अब तक, जिसके बाद सीएम योगी आदित्यनाथ की वाहवाही भी हुई। लेकिन इस बार जो कुछ हुआ है जिससे कई लोग हैरान होंगे, दरअसल बच्चे के जन्म के समय ही जाति प्रमाण पत्र भी बन जाएगा। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये ऑर्डर दे दिया है। सरकारी दफ्तरों के कामकाज में आसानी लाने और समयबद्ध ढंग से काम करने के निर्देश दिए गए और उसके बाद आवेदन के 15 दिनों के अंदर जाति प्रमाण पत्र मिलना सुनिश्चित कराए। ये भी बताया कि नवजात शिशु को जन्म प्रमाण पत्र के साथ जाति प्रमाण पत्र वितरण करने की व्यवस्था भी दी जाए। अब सीएम योगी आदित्यनाथ ने यह भी कहा है कि अगले 2 वर्षों से कम 30,000 महिलाओं को चयनित और प्रशिक्षित कर मनरेगा कार्यों में संबद्ध किया जाए। यानी कि ये सब आप समझ सकते हैं क्यों है, क्योंकि महिलाओं को अच्छी शिक्षा और अच्छी जगह नहीं मिलती है योगी सरकार में। इस तरह का इल्जाम प्रियंका गांधी ने योगी सरकार पर लगाए थे। 5 साल में जो कमियां रह गई उसे पूरा करने के लिए एड़ी चोटी लगा रहे हैं योगी सरकार। आने वाले 2027 तक सारी कमियां दूर कर जनता की हर उम्मीदों को पूरी करने के लिए पूरी तरह से प्रयास कर रहे हैं सीएम योगी, और इसके लिए तैयारियां इनकी साफ नजर आ रही हैं। योगी आदित्यनाथ ने गांव में नागरिक व्यवस्था और सुदृढ़ करने के निर्देश दिए। कहा उन्होंने कि हर बेघर को घर देने के लिए 13 लाख परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण और 1.5 लाख परिवारों को मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत मकान देने के लिए काम जल्द से जल्द शुरू किया जाए। वहीं मुख्यमंत्री ने तहसीलों में भ्रष्टाचार की शिकायतों पर भी कार्रवाई को लेकर विशेष पोर्टल देने का प्लान किया। तो वहीं आपको ये भी बताना चाहेंगे कि हर घर को रोजगार देने के लिए सर्वे करने के निर्देश भी दिए गए। मुख्यमंत्री ने बीते बुधवार को ग्राम्य विकास सेक्टर के तहत 4 विभागों की कार्य योजना का प्रस्तुतीकरण देखने के लिए तैयारी की थी, और इसके बाद अधिकारियों से उन्होंने मिलकर कहा कि अगले 2 वर्षों से 15,000 खेल मैदान का निर्माण और 30,000 तालाबों के पुनरुद्धार का लक्ष्य लेकर काम किया जाए। अवैध कब्जों पर कठोरतम कार्रवाई करने का भी आदेश योगी सरकार ने दिया। भूमि सरकारी हो या निजी, उन पर अवैध कब्जा करने वाले के खिलाफ बिना भेदभाव के कठोरतम कार्रवाई किया जाए। ये है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ऑर्डर। जी हाँ, गांव में ये बड़े विवाद का कारण रहा है। ये बात उन्होंने कहा कि कड़ाई से निपटा इस पर जाए, जल्द से जल्द समस्या का निवारण किया जाए। भूमि पर अवैध कब्जों की पड़ताल की कार्रवाई भी की जानी चाहिए। बीडीओ, तहसीलदार, एसडीएम अपनी तैनाती स्थल पर निवास करें और मुख्यमंत्री कार्यालय में भी संबंध पर ट्वीट कर जानकारी जरूर दें। ये भी सीएम योगी आदित्यनाथ ने ऑर्डर दिया है। नेक्स्ट 9 न्यूज रूम से तृप्ति की रिपोर्ट के साथ बताते चले कि सीएम ने 6 महीने के अंदर 1.5 लाख इज्जत घरों का निर्माण, प्लास्टिक वेस्ट प्रबंध के लिए विकास खंडों में योजना निर्माण और स्थल चयन किया जाए ये ऐलान करवाया है। वहीं 5,000 ग्रामों में कार्य शुरू किया जाए ADF प्लस योजना के अनुरूप, ये भी कहा 100 दिनों में ग्राम सचिवालय में CSC की सह स्थापना के निर्देश जारी करें, ये भी सीएम योगी आदित्यनाथ का ऐलान है। तो वहीं पंचायत भवन में CSC के 750 अतिरिक्त कक्ष निर्माण के लिए भी सीएम योगी ने ऐलान करवाया धनराशि जारी की जाए, ये कहा। तो वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि मनरेगा के तहत हर जिले में 2 हाईटेक नर्सरी की स्थापना की जाए। एक नर्सरी से 15 लाख पौधे तैयार होंगे। बरसात के पहले नालों को डिसिल्ट करें। गांव में रेन वाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था भी की जाए। मुख्यमंत्री निर्देश दिए गए हैं तहसील प्रशासन को जिम्मेदार, पारदर्शी और भ्रष्टाचार मुक्त करना है। ये भी सीएम योगी ने कहा, भ्रष्टाचार की शिकायतें प्राप्त करने के लिए पृथक पोर्टल भी बनाया जाए। प्रदेश सरकार बुजुर्ग संतों, पुजारियों और पुरोहित के कल्याण के लिए बोर्ड का गठन भी करेगी। जी हाँ, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यूपी में मंत्रिपरिषद के समक्ष धर्मार्थ कार्य विभाग के प्रस्तुतिकरण के दौरान सारे निर्देश देते नजर आए हैं, जिसे लोग काफी तारीफ कर रहे हैं। सीएम योगी के इस तरह के ऑर्डर से जरूर अखिलेश मुलायम सन्न रह गए होंगे, क्योंकि अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव उनकी योजनाओं को पछाड़ने के लिए कितनी भी कोशिश करें, इन योजनाओं को अगर सीएम योगी पूरा कर देते हैं तो सपा का रास्ता और भी मुश्किल हो जाएगा आने वाले 2027 में। नेक्स्ट 9 न्यूज से तृप्ति की रिपोर्ट।